टाइगर की जिंदगी में दिशा की हुई रीएंट्री, क्या दिशा संग फिर शुरू हुआ टाइगर का रोमांस? अरे हम दिशा पाटनी की नहीं बल्कि किसी और दिशा की बात कर रहे हैं जो टाइगर और दिशा पाटनी के ब्रेकअप की वजह बन गई थी। वेल अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स टाइगर और दिशा पाटनी के रिलेशनशिप के बीच तीसरी बनकर दिशा ही आ गई थी, जिसके लिए टाइगर ने अपनी 6 साल पुरानी गर्लफ्रेंड को चीट कर दिया था। जी हाँ, बीटाउन के एक्शन हीरो टाइगर श्रॉफ रिलेशनशिप कॉन्ट्रोवर्सीज के मामले में तो बिल्कुल अपने पापा जैकी श्रॉफ उर्फ जग्गू दादा पर गए हैं। बीते साल ही टाइगर और दिशा पाटनी का ब्रेकअप हुआ था और इनके ब्रेकअप की वजह ये बताई गई थी कि टाइगर शादी के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन रियल रीजन तो अब सामने आया है। कपल के ब्रेकअप की वजह शादी नहीं बल्कि किसी तीसरे के बीच में आ जाना था। एक लंबे वक्त तक टाइगर का नाम बॉलीवुड के सुपर हॉट एक्ट्रेस दिशा पाटनी संग जुड़ता था, लेकिन दोनों ने हमेशा ही एक दूसरे को सिर्फ अपना अच्छा दोस्त कहा। तो वहीं अब टाइगर की जिंदगी में एक और दिशा ने एंट्री ले ली है। टाइगर काफी समय से खुद को सिंगल बता रहे थे। बीते साल करण जौहर के चैट शो कॉफी विद करण में टाइगर श्रॉफ ने बताया था कि वो सिंगल हैं, लेकिन अब गॉसिप्स के गलियारों में चर्चा है कि वो बीते करीब 1.5 साल से किसी को डेट कर रहे हैं और वो भी किसी दिशा नाम की ही लड़की को। रिपोर्ट्स के मुताबिक टाइगर 1.5 साल से ज्यादा समय से एक लड़की को डेट कर रहे हैं। दिलचस्प बात तो ये है कि उनका नाम दिशा धानुका है और वो एक प्रोडक्शन हाउस में सीनियर पोजीशन पर काम करती है। सोशल मीडिया पर लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि दिशा पाटनी से अलग हुए अभी टाइगर को 1 साल हुआ है, तो कैसे दिशा धानुका को वो 1.5 साल से डेट कर रहे हैं। टाइगर के क्लोज सोर्स से पता चला है कि वो करीब 1.5 साल से एक दूसरे से मिल रहे हैं। दिशा अक्सर उन्हें स्क्रिप्ट के बारे में सुझाव देती है, जबकि उन्होंने उनकी फिटनेस की जिम्मेदारी संभाली है। वो करीब 1.5 साल से एक दूसरे से मिल रहे हैं। दिशा अक्सर उन्हें स्क्रिप्ट के बारे में सुझाव देती हैं, जबकि उन्होंने उनकी फिटनेस की जिम्मेदारी संभाली है। हालांकि जब टाइगर से संपर्क किया गया तो उन्होंने मैसेज भेज कर कहा, मुझे लगा कि कुछ महीने पहले मेरा किसी और से रिलेशनशिप था, लेकिन नहीं, मैं पिछले 2 साल से सिंगल हूँ। दूसरी तरफ दिशा ने इन खबरों को लेकर कोई रिएक्शन नहीं दिया है। वहीं दिशा ने भी हाल ही में एक पार्टी के दौरान अपने जिम ट्रेनर अलेक्जेंडर के साथ अपने रिश्ते को कंफर्म किया था। इस डिनर डेट से दिशा का वीडियो सामने आया था जिसमें वो अपने एक दोस्त से अलेक्जेंडर को मिलवा रही थी। हालांकि इस वीडियो में दिशा की आवाज क्लियर नहीं थी, लेकिन नेटिजंस को एक्ट्रेस की लिप सिंक देख यही लग रहा था कि उन्होंने अलेक्जेंडर को अपने बॉयफ्रेंड के रूप में इंट्रोड्यूस कराया है और कहा है ही इज माई बॉयफ्रेंड। बता दें कि इसी साल अप्रैल महीने में टाइगर और दिशा को एक इवेंट में फिर से एक साथ देखा गया। उस समय कयास लगाए जाने लगे थे कि इनका पैचअप हो गया है, दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया है। हालांकि अब रिपोर्ट्स आई हैं कि ऐसा नहीं हुआ। ब्रेकअप के बाद भी दिशा और टाइगर के रिश्ते में खटास नहीं आई थी और वो अभी भी अच्छे दोस्त हैं। ब्यूरो रिपोर्ट E24।